जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार निर्वाचित सरकार बनाने की कवायद तेज है। भाजपा ने पीर पंजाल के लिए पहाड़ी व गुज्जर कार्ड खेला है। रजौरी व पूंछ जिले की 8 में घोषित 6 सीटें इन्हीं दो समुदाय के नेताओं को दी गई है। पहाड़ी समुदाय को ST का दर्जा देने और उन्हें 10% आरक्षण देने के बाद भाजपा को उम्मीद है कि समुदाय के मतदाताओं का स्वाभाविक रुझान पार्टी की ओर हो सकता है। पार्टी की ओर से घोषित 6 सीटों में 4 पहाड़ी व 2 गुज्जर समुदाय को दिया गया है। पहाड़ियों के लिए कालकोट सुंदरबनी से ठाकुर रणधीर सिंह, थन्ना मंडी से मोहम्मद इकबाल मलिक, सुरनकोट से सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी व मेंढर से मुर्तजा खान और गुज्जर समुदाय के लिए बुद्दल से चौधरी जुल्फकार अली, पूंछ हवेली से चौधरी अब्दुल गनी को प्रत्याशी बनाया गया है। कालाकोट व पूंछ की सीट सामान्य संवर्ग के लिए है, जबकि अन्य 4 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। पहली बार अनुसूचित जनजाति को राजनीतिक आरक्षण देते हुए उनके लिए 9 सीटें आरक्षित की गई हैं। इन दो जिलों में पहाड़ी व गुज्जर समुदाय के मतदाता अधिक हैं। इस वजह से पार्टी ने ध्रुवीकरण के लिए सामान्य सीटों पर एक एक सीट पर पहाड़ी व गुज्जर समुदाय को प्रतिनिधित्व दिया है। जम्मू विश्वविद्यालय के शिक्षक व पहाड़ी नेता डॉक्टर नितिन शर्मा का मानना है कि इन दो जिलों में पहाड़ी व गुज्जर मतदाताओं की संख्या काफी अधिक है, जो स्वाभाविक रूप से चुनाव को प्रभावित करते हैं। इस बार खास बात यह है कि पहाड़ियों को ST का दर्जा मिला है, पहली बार ही राजनीतिक आरक्षण भी मिला है और पूरे प्रदेश में 9 सीटें आरक्षित की गई हैं। पहाड़ियों को आरक्षण मिलने से गुज्जर समुदाय के आरक्षण प्रतिशत में भी किसी प्रकार की कटौती नहीं हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि पहाड़ी अपनी नुमाइंदगी के लिए बढ़ चढ़ कर भागीदारी करेगा। पहाड़ी समुदाय के बीजेपी नेता विबोद गुप्ता का कहना है कि पहली बार पहाड़ियों को अपनी नुमाइंदगी का मौका मिला है, सकारात्मक नतीजे आने की उम्मीद है। पिछले 50 साल के संघर्ष को पार कर राजनीतिक रूप से सशक्त होने के लिए पहाड़ी समुदाय वोट के जरिए अपनी आवाज बुलंद करेगा। इतना ही नहीं, पार्टी की ओर से फिलहाल नौशेरा व राजौरी सीट पर प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है। नौशेरा सीट से 2014 में प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना विधायक रहे थे, जबकि राजौरी सीट पर पार्टी के महासचिव विबोध गुप्ता दावेदार बताए जा रहे हैं। वहीं इन दोनों सीटों की बात करें तो इन दोनों सीटों पर दावेदारी को लेकर पेच अभी भी फंसा हुआ है। इस वजह से अब तक टिकट की घोषणा नहीं हो सकी है। बहरहाल जम्मू कश्मीर में शाह और बीजेपी की इस रणनीति पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। videodex@amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।